शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आखिर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है। आपको जानकारी दे दें कि राज्यसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में बड़ी बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी। पीएम मोदी वाराणसी में सरकार और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि रात 9 बजे पहुंचेंगे वाराणसी, इससे पहले शाम 7:30 तक पहुंचेंगे सारे पदाधिकारी बैठक के अंदर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। संगठन की ओर से प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल के साथ ही स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष और संगठन मंत्री लोकसभा चुनाव को लेकर रिपोर्ट देंगे। पार्टी ने यूपी के सभी 80 सीटों के लिए 3-3 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कराए गए पार्टी के सर्वे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, पीएम मोदी वाराणसी में सरकार और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रात 9 बजे पहुंचेंगे वाराणसी, इससे पहले शाम 7:30 तक सारे जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच जाएंगे। बैठक के अंदर कौन कौन मौजूद रहेगा वो जरा जान लीजिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संगठन की ओर से प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल के साथ ही स्थानीय पदाधिकारी भी बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष और संगठन मंत्री लोकसभा चुनाव को लेकर रिपोर्ट सौंपेंगे। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों के लिए 3-3 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कराए गए पार्टी के सर्वे के बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी।